हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मैजिकल स्कूल। हैरी पॉटर और फैंटास्टिक बीच सीरीज में और हैरी पॉटर सीरीज खत्म होने के बाद जेके रोलिंग ने हमें अलग अलग कंट्रीज के विजिटिंग स्कूल के बारे में बताया है। फिर चाहे वो हॉगवर्ट्स हो, जहां ब्रिटिश विजिट काइंड फैमिलीज पढ़ने आती थी, या फिर वो इल्वरमुनी स्कूल हो, जहाँ नॉर्थ अमेरिकन विजिट काइंड फैमिलीज पढ़ने आती है। लेकिन जेके रोलिंग एक ऐसी मैजिकल कंट्री के बारे में भूल गई जिसकी हर एक चीज में मैजिक है। और कंट्री का नाम सुन के आप भी मेरी इस बात से इनकार नहीं करोगे, क्योंकि कंट्री का है इंडिया। और इसीलिए मैं ये थ्योरी वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इंडिया में मैजिकल स्कूल होता तो वो कैसा होता, उसका नाम क्या होता और वो कहाँ पर होता। तो अपने हेडफोन तैयार रखो, क्योंकि ये मैजिकल जर्नी बहुत मजेदार होने वाली है। लेकिन उससे पहले विजिटिंग वर्ल्ड से पूरी तरह से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस को भी फॉलो कर सकते हो, और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वहीं पर मैं हैरी पॉटर सीरीज और फैंटास्टिक बीच सीरीज की मूवीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो के एंड में एक क्लिप है, उस क्लिप को भी देखना मत भूलना। सबसे पहले अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड के विजिटिंग स्कूल की बात करें, तो जिन लोगों ने पॉटर मोर और हैरी पॉटर विक्की पर इन मैजिकल स्कूल के बारे में पढ़ा होगा, तो उन्हें मालूम होगा कि दो ही स्कूल ऐसे हैं जो पर्टिकुलर एक कंट्री के हैं, और बाकी के स्कूल ऐसे हैं जो एक रीजन के हैं, यानी कि आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं वो उन स्कूल में पढ़ने जाती है। ठीक ऐसा ही इंडिया के साथ भी होगा, क्योंकि अगर हम अपनी हिस्ट्री पर नजर डालें तो हम देखेंगे कि साउथ एशिया रीजन पहले एक ही था, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका कंट्री आती है। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वैसे ये रीजन अलग अलग कंट्री में डिवाइड होता गया। लेकिन ये सिर्फ मगल्स वर्ल्ड में हुआ है, विजिटिंग वर्ल्ड में अभी भी साउथ एशिया रीजन एक ही है। इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि उनका स्कूल भी एक ही होगा। तो ये विजिटिंग स्कूल इंडिया में तो होगा, लेकिन उसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंकन विजिट काइंड फैमिली भी पढ़ने आती होगी। और अगर हम स्कूल के नाम की बात करें, तो हम सभी ये बात भी जानते हैं कि साउथ एशिया रीजन में सबसे ज्यादा हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। लेकिन अगर हम पास्ट में जाएं, तो वहीं हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा संस्कृत लैंग्वेज बोली जाती थी, और यही लैंग्वेज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज भी कहलाती है। तो स्कूल का नाम भी इसी लैंग्वेज में होगा, जो कि होगा करमाना, जिसका संस्कृत में मतलब होता है मैजिक, लाइट और हार्ड वर्क। और अगर हम करमाना स्कूल के लोकेशन की बात करें, तो हम ये भी जानते हैं कि विजिटिंग स्कूल ऐसी जगह पर होते हैं जहां मगल्स को जाने की इजाजत नहीं होती। जैसे हॉगवर्ट्स को ही ले लो, वो स्कॉटलैंड में एक ऐसी जगह पर था जहां मगल्स को जाने की इजाजत नहीं थी, और मगल्स को उस जगह वार्निंग का साइन भी दिखता था, और हॉगवर्ट्स कासल पूरा टूटा फूटा नजर आता था। ठीक ऐसा ही इंडिया में भी होगा, और भांगड़ फोर्ट से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती, क्योंकि भांगड़ फोर्ट में भी आम लोगों को एक टाइम के बाद जाने की इजाजत नहीं है, और वहां पर भी वार्निंग का साइन दिखाई देता है। और इस बात की भी बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि भांगड़ फोर्ट पर बैन लगाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक ने ही कहा होगा, क्योंकि हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अस्काबान बुक में हमने पढ़ा था कि जब सीरियस ब्लैक अस्काबान से भागता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक फज इस बारे में मगल्स प्रेसिडेंट को भी बताते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि मगल्स गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ होगा, जिससे वो आपस में अपने सीक्रेट शेयर करते होंगे, ताकि उनकी असलियत नॉर्मल लोगों के सामने ना आ सके। और ठीक ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के बीच भी हुआ होगा, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने भांगड़ फोर्ट पर बैन लगा रखा है, और उस जगह को पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस बता रखा है। और अब अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, कि करमाना विजिटिंग स्कूल में विजिट काइंड फैमिलीज के बच्चे कैसे जाते होंगे, तो उसका जवाब है ट्रेन। ये मैं हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस की वजह से नहीं बोल रहा, बल्कि पूरे साउथ एशिया रीजन का ट्रेन्स के साथ एक बहुत ही डीप हिस्ट्री रही है, और आप में से भी कोई ऐसा नहीं होगा जिसने ट्रेन में ट्रेवल नहीं किया हो। ट्रेन्स ना सिर्फ इंडिया की बल्कि पूरे साउथ एशिया रीजन की लाइफलाइन है, और ये रेलवे नेटवर्क पूरे वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क है, जो अभी भी बढ़ रहा है। और यहाँ 11,000 ट्रेन्स रोज चलती हैं, जिसमें 2.5 करोड़ पैसेंजर ट्रेवल करते हैं।
तो इस बात की भी बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस की तरह ही करमाना एक्सप्रेस भी होगी। अब अगर हम हाउसेस की बात करें तो करमाना स्कूल में भी बाकी स्कूल की तरह ही चार हाउसेस होंगे। और जबकि हम सभी ये बात भी जानते हैं कि हम लोग गॉड में बहुत ज्यादा बिलीव रखते हैं और हम लोग गॉड के साथ साथ नेचर की भी पूजा करते हैं, तो हमारे हाउसेस भी नेचर से ही रिलेटेड होंगे, जो कि कुछ इस तरह होंगे। अग्नि द रेड हाउस, जल द ब्लू हाउस, पृथ्वी द ग्रीन हाउस और वायु द येलो हाउस। अग्नि हाउस की बात करें तो हमें नाम से ही पता चल रहा है फायर, यानी कि इस हाउस में वो बच्चे चुने जाते होंगे जो डिटरमाइंड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लीडर, स्ट्रॉन्ग विल पावर, प्रोडक्टिव और इंडिपेंडेंट नेचर के होंगे। वहीं इनकी वीकनेस होगी एंगरनेस, अनफॉरगिविंग, सेल्फ सफिशिएंट और प्राउडनेस। जल हाउस, इस हाउस के भी नाम से हमें पता चल रहा है वाटर, यानी कि इस हाउस में वो बच्चे चुने जाते होंगे जो काम, लाइकेबल, डिप्लोमेटिक, एफिशिएंट, डिपेंडेबल, लीडर और प्रैक्टिकल नेचर के होंगे। वहीं इनकी वीकनेस होगी सेल्फ प्रोटेक्टिव और अनमोटिवेटेड। वहीं पृथ्वी हाउस की बात करें तो हमें इस हाउस के नाम से भी पता चल रहा है अर्थ, यानी कि इस हाउस में वो बच्चे चुने जाते होंगे जो गिफ्टेड, लॉयल, सेंसिटिव, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग और सेल्फ डिसिप्लिन नेचर के होंगे। और इनकी वीकनेस होगी मूडी, नेगेटिव और अनसोशिएबल। और अब आखिरी हाउस यानी कि वायु हाउस की बात करें तो हमें इस हाउस के भी नाम से पता चल रहा है एयर यानी कि हवा। और इस हाउस में वो बच्चे चुने जाते होंगे जो वार्म, फ्रेंडली, टॉकेटिव और रिस्पॉन्सिव नेचर के होंगे। और इनकी वीकनेस होगी अनडिसिप्लिन, अनप्रोडक्टिव और अनडिपेंडेबल। तो ये है हमारे करमाना विजिटिंग स्कूल के हाउसेज। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि इस हिसाब से आप कौन से हाउस से बिलोंग करते हो। अब बात करें हमारे स्पोर्ट्स की, तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि करमाना स्कूल में भी क्विडिच ही खेला जाता होगा। लेकिन जबकि हम सभी जानते हैं कि हम पूरे वर्ल्ड में सबसे यूनिक रहते हैं, तो यहाँ पर भी कैसे नहीं रहेंगे। हैरी पॉटर विकी पर ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंडिया में ब्रूमस्टिक बहुत ही कम देखने को मिलती थी, इसीलिए यहाँ पर लोग ट्रैवलिंग के लिए फ्लाइंग कारपेट का इस्तेमाल करते थे। तो इस बात की भी बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि हमारे यहाँ क्विडिच फ्लाइंग कारपेट पे खेला जाता होगा। और स्नेक समन्स स्पेल जो ड्रैको मेलफॉय ने हैरी पर यूज की थी, वो भी इंडिया में ही इन्वेंट की गई थी, जिसे करमाना विजिटिंग स्कूल से पढ़े हुए बच्चे ने ही इन्वेंट किया था। लेकिन उस स्पेल को किसने इन्वेंट किया था इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। और इस स्पेल को 1987 में बनाया गया था, जिसके बाद इस स्पेल को इंटरनेशनली यूज किया जाने लगा। लेकिन इंडिया में जब कुछ विजिट्स पैसे कमाने के लिए इस स्पेल का यूज मगल्स के सामने करने लगे, जहां वो स्नेक्स को अपने इशारे पर नचाते थे, तो ये देखकर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक ने उन विजिट्स को सजा दी इंटरनेशनल स्टैच्यू ऑफ सीक्रेसी का उल्लंघन करने के लिए। और एक फन फैक्ट, हैरी पॉटर सीरीज में जो पद्मा और पार्वती पाटिल थी, वो ब्रिटिश इंडियन थी, जो बिलोंग तो इंडिया से करती थी लेकिन वो रहती ब्रिटेन में थी, इसीलिए वो करमाना स्कूल के बजाय हॉगवर्ट्स में पढ़ने जाती हैं। लेकिन अगर वो इंडिया में ही रह रही होती तो वो भी करमाना स्कूल में ही पढ़ने जाती। तो आपको ये थ्योरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपकी कोई थ्योरी हो करमाना विजिटिंग स्कूल को लेकर तो वो भी हमारे साथ शेयर करना मत भूलना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। गुड मॉर्निंग जॉन, मैं हूं। ओह हैरी, माफ करना, मैं तुम्हारी शक्ल ही भूल गया था। हरमाइनी कहाँ है? वो कोर्ट रूम गई है अम्ब्रिज के साथ। मैं सब समझता हूँ, लेकिन मैं इसका एक हिस्सा नहीं बन सकता। हेलो रेज, मैं जानता हूं कि आज मेरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। भरोसा रखो, सब ठीक होगा। अगर मैं और मौली किसी तरह से तुम्हारी मदद। प्लीज अब ये मत कहना कि ऑफिस में बारिश पड़ी। छाते का इस्तेमाल करो रेज। आर्थर, तुम जानते हो ना तुम पर नजर रखी जा रही है।
क्या ये एक धमकी है? नहीं, ये सच है। वो तुम पर नजर रख रहे हैं।